सीएम योगी का आज सिद्धार्थनगर दौरा, मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ओवैसी ने मोहन भागवत पर साधा निशाना, कहा भागवत का भाषण झूठों से भरा हुआ है। चौदह दिनों तक बंद रहेगा पुणे एयरपोर्ट, 29 अक्टूबर तक नहीं होगा विमानों का संचालन, कोरोना टीकाकरण की सप्लाई नहीं होगी बंद। मोबाइल से भरे कैंटर में लूट, पुलिस मामले की जांच में जुटी, 7 करोड़ की बताई जा रही है मोबाइल की कीमतें। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा है और पीएम के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो सिद्धार्थनगर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही वो मेडिकल कॉलेज परिसर का भी निरीक्षण करेंगे, साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा है, ऐसे में वो बता दें आपको कि पीएम के आगमन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लेने के लिए खुद पहुंच रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिद्धार्थनगर जाएंगे, जिसकी तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से चल रही हैं, उसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर पहुँच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो मेडिकल कॉलेज परिसर का भी निरीक्षण करेंगे और साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज सीएम योगी का सिद्धार्थनगर दौरा है, क्या कुछ और अपडेट मिल रहा है? पारुल, देखिए सबसे पहले बता दूं, लगातार 2 दिन से गोरखपुर में रहे हैं रूबी सीएम और उसके बाद अब सिद्धार्थनगर आज पहुंचेंगे। लगभग जो समय दिया गया है 2:55 से लेकर सिद्धार्थनगर में पुलिस लाइन है, वहाँ पे पहले पहुंचेंगे और 3 बजे के तकरीबन मेडिकल कॉलेज है सिद्धार्थनगर का, वो वहाँ पे जाएंगे और पीएम के जो कार्यक्रम है उसके संबंध में परिसर के जितने भी लोग हैं उसका वो पूरा निरीक्षण करेंगे और इसके साथ ही साथ 3:45 तक जनप्रतिनिधि है उन लोगों के साथ भी बैठक करेंगे। यानी कि जो जनप्रतिनिधि है उनमें सांसद होंगे, विधायक होंगे, क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे और वहाँ के जो कार्यकर्ता होंगे उन सभी लोगों के साथ तकरीबन ये आधे घंटे वहाँ पे बैठक करेंगे और उस बैठक करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होगी और मीडिया प्रेस वार्ता भी करेंगे और 4:15 की तकरीबन। बिल्कुल रूबी, जो बैठक होने जा रही है जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी वहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगे, बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी? खास तौर से देखिए ट्रक को लेकर ज्यादा जाना जा रहा है क्योंकि इसके पहले भी जब पीएम आने वाले थे खासतौर से लखनऊ से जब उनका प्रोग्राम हुआ था तो उससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने काफी बैठक लगातार करी और उसके साथ साथ अपने सारे जो उसके सांसद विधायक और मंत्री थे उनके साथ बैठक करी थी, उसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करी थी। तो माना यही जा रहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर इसके संबंध में ही इन सारे लोगों के साथ उसकी एक बैठक होगी और उस बैठक में वो तैयारी होगी कि जब पीएम आएंगे उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और उसके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे और क्या कमी क्या या चूक रह चुकी है या उसको अब पूरा करने में बाकी समय रह गया है। बिल्कुल रूबी, और जिस तरह से जानकारी ये भी मिल रही है कि मेडिकल कॉलेज का आज सीएम निरीक्षण करेंगे, मेडिकल कॉलेज की सौगात सिद्धार्थनगर को मिलने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोगों को इससे सुविधा मिलेगी, जो बच्चे हैं उन्हें बहुत सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल पारुल, क्योंकि अभी विधानसभा में जब इन्होंने बजट पेश किया था तो उसमें खास तौर से मेडिकल कॉलेज को लेकर खास उसने तवज्जो दिया था क्योंकि पहले भी कई जगह माना गया है जहां पे मेडिकल कॉलेज होने चाहिए लेकिन वहां पे नहीं थे, लेकिन अब जब इन्होंने बजट पेश किया था उसमें तकरीबन यही बिंदुओं पर ही दिया गया था कि जो जिले हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, जहाँ पे आनन फानन में जब बच्चे बीमार होते हैं या फैमिली को लेकर तुरंत लखनऊ रिफर किया जाता है तो बीच रास्ते में ही हादसे हो जाते हैं, तो ऐसे में ही मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़ रही थी जिन में वो वहाँ के लिए सौगात जरूर दे रहा और ये भी कह सकते हैं जिला के लिए भी खुशखबरी है क्योंकि जहाँ पे एक छोटा क्लिनिक हुआ करता था वहाँ पे बड़ा मेडिकल कॉलेज उनको मिलेगा, निश्चित तौर पे उसके लिए राहत बड़ी ये खबर होगी। बिल्कुल रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा है जहां पर वो पीएम के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही आपको बता दें कि वहां के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक भी करने जा रहे हैं।
हैं और तैयारियां वहां पर पीएम के आगमन को लेकर किस तरह से चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, इसको लेकर भी वो इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें लगातार दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री कई जिलों का, तो ऐसे में आज उनका ये सिद्धार्थनगर का दौरा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। खबरों की माने तो मुठभेड़ पंपोर इलाके में हो रही है और जवान मोर्चे पर तैनात हैं। वहीं सुरक्षा बलों के साथ पंपोर में जारी मुठभेड़ में लश्कर कमांडर उमर मुश्तका घिर गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस को जिन टॉप 10 आतंकियों की तलाश है, मुश्ताक उनमें से ही एक बताया जा रहा है और ये श्रीनगर में दो पुलिस कर्मियों की हत्या में भी शामिल रहा है। विजयदशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उनके भाषण पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि भागवत का भाषण झूठ और अर्थ सत्य से भरा हुआ है। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट करके भागवत द्वारा भाषण में जनसंख्या नीति अनुच्छेद 370 पर की गई बातों की आलोचना भी की। उन्होंने ट्वीट में कहा कि हमेशा की तरह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भाषण झूठ और अर्ध सत्य से भरा हुआ था। पुणे हवाई अड्डे शनिवार से 14 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि रनवे और ग्राउंड के रखरखाव कार्य के लिए 29 अक्टूबर तक ये हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन नहीं होगा। वहीं भारतीय वायुसेना यानी कि IAF रनवे की मरम्मत का काम करेगी। हालांकि इस दौरान कोरोना टीकाकरण की सप्लाई बंद नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार रनवे की मरम्मत का काम इसी साल अप्रैल महीने में करने का प्रस्ताव था, लेकिन उस वक्त रोक दिया गया था, जिसके बाद अब ये कार्य करने का फैसला लिया गया है। मथुरा के थाना फरा इलाके में करोड़ों रुपए के मोबाइल से भरे कैंटर की लूट की घटना से सनसनी फैल गई है। वहीं इस मामले की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित ओप्पो फैक्ट्री की ओर से करीब 7 करोड़ रुपये कीमत के मोबाइल बेंगलुरु के कंटेनर में भेजे गए थे। इसी बीच बदमाशों ने हमला बोलते हुए कैंटर को लूट लिया और मौके से फरार हो गए। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां पर मोबाइल से भरे कैंटर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि ये जो मोबाइल थे कैंटर में मौजूद, उनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये बताई जा रही है और ओप्पो फैक्ट्री की ओर से ये कीमत बताई गई है। आपको बता दें कि ये कीमत के मोबाइल बेंगलुरु के लिए कंटेनर से भेजे जा रहे थे और इस बीच ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने हमला बोलते हुए कैंटर को लूट लिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि अब जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां पर मोबाइल से भरे कैंटर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरी लूट के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। साथ ही इस मामले की जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, साथ ही बता दें आपको दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार 5 अक्टूबर की सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया था। सुबह 7 बजे ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित ओप्पो फैक्ट्री की ओर से करीब 7 करोड़ रुपए की कीमत के ये मोबाइल फोन बताए जा रहे हैं जो बेंगलुरु के लिए भेजे जा रहे थे और इस बीच बदमाशों ने हमला बोलते हुए कैंटर को लूट लिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरी घटना की जाँच पड़ताल कर रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से हमारे संवाददाता सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, ये मोबाइल से भरे कैंटर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है, क्या अभी तक पता चल पाया है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया था, कौन कौन शामिल था?
जी अभी तक जिस तरह की जो जानकारी है उससे यही पता चला है कि अभी तक आरोपियों का कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि आरोपी जो है वो मध्य प्रदेश में कहीं टैंकर को लूट के भागे हैं। तो इस वजह से अभी चूंकि मामला पुलिस का जांच में ही है कि अभी पुलिस चूंकि इस तरह से जैसे बताया जा रहा है, हालांकि ये घटना 5 तारीख की है और जिसको कल मुकदमा मथुरा के फरह थाने में जो है आईजी यानी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उसके बाद से जैसे ही पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है, और जिस तरह से जो मोबाइल के जो कंपनी है, कंपनी के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है कि आखिर जो आपका ड्राइवर था कब कहां से और किस तरह से इस गाड़ी को कैंटर को लेके चला था और यहां पर उसने जो लोग जो लुटेरे थे उनको क्यों बैठाया और कहां से क्या। बिल्कुल सुरेश, सवाल यही खड़ा होता है कि इसमें जो मोबाइल थे वो 7 करोड़ की कीमत बताई जा रही है उन मोबाइलों की, यानी कि किसी को पहले से ही पता था कि कैंटर जो है निकलेगा और किस समय निकलेगा, यानी कि ये जानकारी कहीं ना कहीं किसी ने लीक की थी। जी बिल्कुल, अभी तक जो अंदेशा लग रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि जिस तरह से इस कैंटर में हजारों मोबाइल जो वीवो और ओप्पो के साथ बताए जा रहे हैं और जिनकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस तरह से जो अभी तक जानकारी मिल रही है, तो एक बड़ी घटना है। बड़ी घटना को लेकर पुलिस भी सतर्क है और चूंकि आईजी और डीआईजी के आदेश पर ये मुकदमा मथुरा के फरह थाने में दर्ज किया गया है, तो पुलिस भी सत्ते में है कि इतनी बड़ी लूट और उसकी किस तरह से कैसे लुटेरों को पता चली। और लुटेरे चूंकि ये बैंगलोर कैंटर जा रहा था तो रास्ते में जब मध्य प्रदेश में जिस तरह से यहाँ मथुरा से वो लोग चढ़े लुटेरे और लुटेरों ने उसके बाद मध्य प्रदेश में इस घटना को लूट की घटना को अंजाम दिया है। जहाँ पर बिल्कुल सुरेश, जो ये जब ये कैंटर निकला था तो क्या उस कैंटर में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी कीमत के ज्यादा कीमत के मोबाइल फोन थे, तो क्या कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था वहां पर? जी इस तरह का तो अभी तक कोई जानकारी में नहीं है, क्योंकि ड्राइवर ही सिर्फ गाड़ी को लेके जा रहा था जो कि फरुखाबाद का रहने वाला था, और वो और जहां तक जिस तरह से कि गाड़ी कैंटर था तो कैंटर चूंकि बंद होता है तो उसमें ये नहीं पता चलता था कि इसमें अंदर क्या है। लेकिन जिस तरह से लुटेरों ने घटना को लूट को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से जब वो जो मथुरा के फरह क्षेत्र से जैसे रायपुरा जाट के पास है वो लोग उस कैंटर में बैठे सवारी बन करके, तो हो सकता है कि ड्राइवर ने बातचीत में उनको ये बता दिया हो या दर्शा दिया हो कि ये इसमें क्या है, और उसके बाद हो सकता है कि उनका लूट का जो है अंजाम दिया, और उसके बाद अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो सका है। अभी क्योंकि कोई पुलिस अधिकारी भी खोलकर इस मामले में बात नहीं कर रहा है, एफआईआर जरूर दर्ज हो गई है लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि के तौर पर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। तो इसको लेकर के चूंकि जो कंपनी मोबाइल कंपनी के जो लोग हैं वो भी मीडिया से बच रहे हैं, वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, और वो भी कल चुपचाप आए थे और अपनी एफआईआर दर्ज कराने के बाद और वापस चले गए। बिल्कुल सुरेश, यानी कि पुलिस पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि 5 तारीख की ये घटना है और आज 10 से 11 दिन इस पूरी घटना को हो गए हैं, उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहां पर मोबाइल फोन से भरे कैंटर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि उस कैंटर में मोबाइल फोन जो थे उनकी कीमत 7 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में आए दिन गाड़ी में बिठाकर लूट करने वाले गैंग की तरफ से लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। साथ ही पेचकस गैंग ने भी पुलिस के सर में दर्द कर रखा है, जिसको लेकर पुलिस ने लोगों को जागरूक करना भी शुरू कर दिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा की B2 थाना पुलिस ने परिचौक पर लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर भी लगाए हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि वो किसी अनजान व्यक्ति की गाड़ी में न बैठे और बिना बुक करे किसी भी कैब में न बैठे। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में इन दिनों पेचकस गैंग पूरी तरह से सक्रिय है, जो वाहन का इंतजार कर रही सवारियों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने बिठा लेते हैं और उसके बाद उनके साथ लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है जहां पर लूट की वारदातों से सावधान करने के लिए पुलिस प्रशासन भी अब सतर्क नजर आ रही है, पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दरअसल पूरी तरह से पेचकस गैंग सक्रिय है ग्रेटर नोएडा में, वो लोगों को जो रास्ते में इंतजार कर रहे होते हैं किसी और सवारी का, वो बहलाकर लिफ्ट देने के बहाने से अपनी गाड़ी में अपने वाहन में उन्हें बैठाते हैं और उसके बाद उनके साथ लूट की घटना को अंजाम देते हैं। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है। दरअसल आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में इन दिनों पूरी तरह से पेचकस गैंग सक्रिय है और ऐसे में ये गैंग किस तरह से काम करता है
अभी और कौन इसका सरगना है अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग लिफ्ट ले अपनी वाहन का इंतज़ार रास्ते में करने के लिए खड़े होते हैं उन्हें ये टारगेट करते हैं और लिफ्ट देने के बहाने से उन्हें अपनी गाड़ी में या किसी और वाहन में बैठाते हैं कि हम आपको लिफ्ट देंगे और आगे तक छोड़ देंगे, लेकिन उतने में ही वो गाड़ी में बैठने के बाद उस व्यक्ति के साथ लूट की घटना को अंजाम दे देते हैं, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस के सर में भी ये दर्द बना हुआ है कि किस तरह इनको पकड़ा जाए, किस तरह से इन घटनाओं पर लगाम लगाई जाए। इसीलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जागरूक करने में लोगों को जुटी हुई है, पोस्टर लगा रही है और उसमें पोस्टर में ये लिखा है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के वाहन या लिफ्ट लेने के बहाने से उसमें ना बैठें और इन लोगों से, इस तरह के लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लखीमपुर खीरी जैसी घटना के बाद से सियासत गर्म हो चुकी है। शनिवार को यहां सड़क पर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को पीछे से आ रही कार ने रौंद दिया था। आपको बता दें जिसमें एक की मौत हो गई थी जबकि 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना पर सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए शोक जताया और कार्रवाई की मांग की है। योगी ने लिखा कि जशपुर में एक धार्मिक जुलूस पर अनियंत्रित वाहन द्वारा लोगों के कुचल जाने की वजह से दुर्घटना में हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है और इसके आगे सीएम ने लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार से घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने की अपेक्षा है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात के बाद सिद्धू ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें थी वो मैंने राहुल गांधी के साथ शेयर की, वो सब सुलझा ली गई हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है तो सिद्धू ने कहा मैं जो भी कर रहा हूँ सब आपके सामने है। राहुल गांधी के साथ बैठक के दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहे। ऐसे में हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। सिद्धू ने राहुल गांधी को विश्वास दिलाया कि वो इस्तीफा वापस लेंगे और पीसीसी अध्यक्ष के रूप में फिर से काम शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि सिद्धू ने गुरुवार को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने उन मुद्दों से वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया जिनको लेकर उन्होंने पिछले दिनों पद छोड़ दिया था। 28 सितंबर को इस्तीफे की घोषणा के बाद सिद्धू ने पहली बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा था कि वो पार्टी की सेवा करना जारी रखेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। कांग्रेस आलाकमान ने अब तक सिद्धू का इस्तीफा आपको बता दें कि स्वीकार नहीं किया था। मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं सर, सामने सामने वो सब शॉर्ट आउट है सर। आप क्या बने रहेंगे? अध्यक्ष बने रहेंगे आप? सर पद पर बने रहेंगे आप? आपका इस्तीफा ना मंजूर हो गया सिद्धू जी? सिद्धू जी जवाब दीजिए। सिद्धू सर, सिद्धू सर, मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि बैठक मुख्य 24 अकबर रोड पर होने वाली है और इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। वहीं रायपुर हवाई अड्डे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो आज इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ संगठनात्मक चुनावों पर भी चर्चा होनी होगी। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जशपुर की घटना पर किए ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी पुलिस लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचा रही थी, लेकिन इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लापरवाही के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और अनुग्रह राशि की घोषणा भी कर दी गई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक
शनिवार यानी कि 16 अक्टूबर को आज होने जा रही है। इस बैठक के एजेंडे में देश की वर्तमान राजनीति स्थिति, आने वाले विधानसभा चुनाव और पार्टी के संगठनात्मक चुनाव शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने CWC की बैठक बुलाने की मांग की थी और गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि पार्टी से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति की तत्काल ही बैठक बुलाई जाए। वैसे तो उत्तराखंड से मॉनसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को राज्य के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से सक्रिय होने की वजह से ये स्थिति बन रही है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने की वजह से शनिवार को भी पहाड़ से लेकर मैदान तक तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग सक्रिय हो चुका है। ऐसे में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों और अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञानी वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश होने के साथ ही अचानक पारा तेजी से बढ़ेगा और ठंड भी दस्तक दे देगी। हालांकि पिछले कई दिनों से रात में न्यूनतम पारा 20 डिग्री सेल्सियस से कम है और बारिश के बाद पारे में और ज्यादा गिरावट आने की भी संभावना है। त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर राज्य में ग्रीन पटाखों के उपयोग और बिक्री की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने 30 सितंबर को जारी एक आदेश में COVID-19 और अन्य बीमारियों के रोगियों को उनके जहरीले धुएं से होने वाले खतरे को देखते हुए 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि गृह विभाग ने शुक्रवार को एक संशोधित एडवाइजरी जारी कर राज्य में NCR के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ग्रीन पटाखों के उपयोग और बिक्री की अनुमति दे दी और आदेश में कहा गया है कि NCR को छोड़कर राजस्थान में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। आपको बता दें कि दिवाली, गुरु पर्व और बाकी त्योहारों के लिए छठ के दौरान भी और क्रिसमस के लिए भी एक समय सीमा तय की गई है, जिसके अंतर्गत ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी और उसमें भी सिर्फ हरे पटाखे ही चला सकेंगे। हालांकि खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में ये प्रतिबंध लागू रहेगा। आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेब पोर्टल पर वायु गुणवत्ता सूचकांक की जांच की जा सकती है और साथ ही आदेश में कहा गया है कि नीरी मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर क्रैकर बॉक्स पर QR कोड को स्कैन कर ग्रीन पटाखों की पहचान की जा सकती है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने शुक्रवार को दिल्ली, राजस्थान और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अपने अपने राज्यों में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत और अरविंद केजरीवाल नवीन पटनायक को लिखे इस पत्र में संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पटाखे चलाने की मंजूरी दे सकती है। आगरा में विजयदशमी के पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि कस्बे में इस पर्व पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा दुर्गा वाहिनी के माध्यम से एक स्वरूप शोभा यात्रा भी निकाली गई और कहीं सामूहिक पूजन हुआ तो कहीं घरों पर शस्त्रों की विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही आगरा के कस्बा शमशाबाद में शुक्रवार को विजयदशमी पर्व पर एक स्वरूप प्रतिमा यात्रा निकाली गई, जिसमें जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से
स्वागत किया। ये स्वरूप प्रतिमा यात्रा कस्बे के दाऊजी मंदिर से शुरू होकर महेंद्र वाटिका तक जाकर खत्म हुई और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा जागरूक कार्यक्रम और अस्त्र शस्त्र पूजन भी किया गया, जिसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंजू भदौरिया जिला अध्यक्ष और अन्य लोगों ने शस्त्रों का पूजन किया और बच्चों ने बाल और सांस्कृतिक नृत्य के इस माध्यम से देश की लोक संस्कृति की रंग बिरंगी छटा भी बिखेरी। साथ ही बता दें सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर पॉइंट पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।